दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ पर भीमकुंड में आए हुए हैं और हमारे साथ में है लक्ष्मण भाऊ यवले जो प्रसापुर ठोकबड़ला से है। तो लक्ष्मण भाऊ आपको कैसा लगा यह पॉइंट देखकर? आज इस पॉइंट पर मैं पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जब अज्ञातवास के वक्त में जो बाकी पंडा थे तो उन्हें अज्ञातवास हुआ था, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एक कुंड, उसे भीम कुंड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भीम ने अपने बाल धोए थे इस कुंड में आकर। तो ये महाभारत काल से बहुत पुराना कुंड है, तो इसकी ऐसी ऐतिहासिक कथा है कि यहाँ पे जो अज्ञातवास के समय में भीम ने यहाँ पे अपने स्नान किया था इस कुंड में। और वो कुंड आज ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें वह एक खाई के अंदर एक कुंड मौजूद है। यहाँ से एक अद्भुत देखने लायक नज़ारा है। तो ये कुंड आप देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर से भी इसका एक जो यहाँ से पानी बह रहा है, ये पानी यहाँ से ब्रह्म शक्ति नदी कह के यहाँ से उसका उगम हुआ है, आज चंद्रभागा का उसको रूप मिला है। तो ये ऐसा नैसर्गिक यहाँ चिखोदरा के इस नदी में बिल्कुल मौजूद है। तो ये देखने लायक नज़ारा है, बहुत ही शानदार और गजब और लाइट और दिन दिन लगे। धन्यवाद भाव। धन्यवाद।